ये जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था 3 PM स्ट्रेटेजी वाला, उस वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि आप सेफ टाइप की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट में सेफ लिख देना। तो आप सबका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला, इतना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतनी सारी कमेंट आएगी और आप सब इतने इंटरेस्टेड हो गए इस स्ट्रेटेजी के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम सेफ टाइप की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज पर बात करने वाले हैं। और इस स्ट्रेटेजी का मेन बेनिफिट ये है कि आपको अपने कैपिटल पर रिस्क बहुत ही कम है, ना के बराबर रिस्क, और आपको कभी लॉस बुक नहीं करना, आप सिर्फ प्रॉफिट ही बुक करोगे हर बार। तो ऐसी स्ट्रेटेजी जानने और सीखने में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपसे स्ट्रेटेजी का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना हो। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजीज। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज हम एक सेफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पर बात करने वाले हैं, और वो सेफ भी कैसे, ETF के थ्रू। और ETF क्या है वो आप सबको आई थिंक पता ही होगा, और अगर आपको नहीं पता कि ETF क्या होता है तो आप मुझे कमेंट में ETF डिटेल लिख देना ताकि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ETF क्या है, ETF का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, ETF में क्या क्या होता है, वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट में ETF डिटेल लिख देना ताकि मुझे पता चले कि आप इसमें इंटरेस्टेड हो जानने के लिए। और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि ऐसी अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजीज की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलो अब देख लेते हैं स्ट्रेटेजी के रूल्स, और रूल्स देखने के बाद मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि इसमें क्यों रिस्क कम है और इसको हमें कैसे ट्रेड करना है। तो चलो पहले रूल्स देख लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम एक ETF की स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पर डिस्कस करने वाले हैं। ETF का मतलब तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, वो आपको पता ही होगा। और ETF में हम स्विंग ट्रेडिंग करने वाले हैं, स्विंग ट्रेडिंग का भी मतलब आपको पता होगा। स्विंग ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं कि मार्केट ऐसे मूव करती है तो हम यहाँ पे बाय करके यहाँ पे सेल करके बीच में जो भी हमें प्रॉफिट मिले वो प्रॉफिट हम कैप्चर करने की ट्राई करते हैं, तो ये स्विंग ट्रेडिंग हो गया। तो चलो अब स्ट्रेटेजी के रूल्स देख लेते हैं कि हमें कैसे ट्रेड करना है ETF में। चूज गुड ETF फॉर स्विंग ट्रेडिंग, हमें ETF कैसे सिलेक्ट करना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और अच्छे ETF कौन से है वो कैसे सिलेक्ट करना है वो भी आपको नहीं पता तो आप कमेंट में हाउ टू चूज ETF कमेंट कर देना, तो उस पर भी मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। और यहाँ पे रूल समझने के लिए हम यहाँ पे निफ्टी बीज और बैंक बीज सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें समझने में इजी हो। बाय ETF व्हेन प्राइस ड्रॉप 1% फ्रॉम टॉप, मतलब कि ETF में हम देखेंगे कि टॉप से जब भी 1% डाउन आएगा प्राइस तब हम वो ETF को बाय करेंगे, और जब भी हमें 5% का प्रॉफिट मिलेगा तो हम 5% का प्रॉफिट बुक करेंगे, और यहाँ पे हम लॉस बुक नहीं करेंगे, यहाँ पे हम एवरेज करेंगे। लेकिन आप सबने तो सुना ही होगा कि हमें लॉस में कभी भी एवरेज नहीं करना चाहिए, लेकिन वो स्टॉक के लिए वैलिड है, हम स्टॉक में कभी लूजिंग में एवरेज नहीं करते क्योंकि स्टॉक जीरो हो सकता है, कोई भी कंपनी भी डूब सकती है कभी भी। लेकिन ETF क्या है, एक स्टॉक्स का बास्केट है, पूरा बास्केट, उसमें सभी कंपनी कभी भी बंद नहीं हो सकती और सभी कंपनी पर कभी रिस्क नहीं हो सकता। जैसे कि हम निफ्टी 50 की बात करें, निफ्टी 50 में क्या होता है कि इंडिया की टॉप 50 कंपनी का एक बास्केट है, अगर उसमें से कोई भी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो उससे हटाकर जो भी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है उसे बास्केट में ऐड कर देगी, ऑल ओवर वो 50 कंपनी अच्छी ही रहेगी बास्केट में, जो भी बुरा परफॉर्म करेगी उसे बाहर निकाला जाएगा और जो अच्छा परफॉर्म करती है उसे इन कर दिया जाएगा, और ये 50 कंपनी अच्छी अच्छी ही रहेगी बास्केट में, तो हमारे कैपिटल पर रिस्क ना के बराबर है। तो आपने देखा होगा कि निफ्टी का प्राइस ऑलवेज इंक्रीज हो रहा है, कभी कभी क्रैश आया होगा लेकिन वो सब रिकवर हो गया है और हर टाइम उसने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। तो ये पूरी बात अच्छे से मैं आपको अभी चार्ट में ले जाकर भी दिखाता हूँ कि कैसे ETF में हमें रिस्क कम होता है जनरली स्टॉक्स के कंपैरिजन में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 5% हमें प्रॉफिट होगा तो हम 5% प्रॉफिट बुक कर लेंगे, मतलब कि अगर हमने 100 रुपीज पे कोई भी ETF बाय किया है जो भी प्राइस हो, लेकिन हम यहाँ पे 100 रुपीज मान लेते हैं, अगर हमें 105 रुपीज मतलब कि 5% का प्रॉफिट मिलता है तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे, या तो प्राइस ड्रॉप होकर 95 पर आ जाती है मतलब कि 5% ड्रॉप होता है प्राइस का तो हम और क्वांटिटी ऐड करेंगे। मान लो कि यहाँ पर हमने इनिशियली 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं
तो अब 5% का ड्रॉप होगा तो हम फिर से 1000 रुपीस इन्वेस्ट करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो कम हो जाएगी, वो 97.5 पर आ जाएगी। तो अब हमें देखना है कि दूसरी जो एवरेज बाइंग प्राइस बनी, मतलब कि पहले हमने 95 रुपीस पर एवरेज किया, तो हमारी एवरेज बाइंग प्राइस हमें टर्मिनल में दिख रही होगी हमारे ब्रोकर में 97.5। अब ये 97.5 का जब 10% ड्रॉप होगा तो हम और 1000 रुपीस इन्वेस्ट करेंगे ताकि ये 97.5 वाली एवरेज बाइंग प्राइस और भी कम हो जाए। पहले हमने क्या किया, 5% ड्रॉप पर इनिशियली बाई किया, उसके बाद एवरेज का 10% और उसके बाद एवरेज का 15% ड्रॉप आएगा तब हम और 1000 रुपीस इन्वेस्ट करेंगे, और जब भी हमें 5% का प्रॉफिट मिले हमारे एवरेज बाइंग प्राइस पर तो हम बुक कर लेंगे। जनरली आपको इतनी सारी बार एवरेज भी नहीं करना पड़ेगा, और ETF में कभी भी बड़ा फॉल नहीं आता एक्सेप्ट कोई क्रैश आ जाए मार्केट में। और जब कोरोना का बड़ा फॉल आया था तब भी 3 बार एवरेज करने के बाद मार्केट रिकवर हो गई थी और 5% का प्रॉफिट भी बुक हो गया था। बाकी जनरली आपको 1 से 2 बार ही एवरेज करना पड़ेगा, तो आप अपने कैपिटल को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। मान लो कि आपको 30,000 इन्वेस्ट करना है तो पहली बार आप 10,000 ही इन्वेस्ट करो, और जब भी 5% का फॉल हो तब एक बार और एवरेज कर देना, और उसके बाद एवरेज बाइंग प्राइस का 10% कम हो जाए तो एक और बार एवरेज, और जनरली इससे ज्यादा आपको एवरेज नहीं करना पड़ेगा एक्सेप्ट मार्केट में बड़ा क्रैश आ जाए। और अगर आ भी गया तो एक बार आपको 10,000 इन्वेस्ट करना होगा बाहर से लेकर, उतना कैपिटल तो आई थिंक आपके पास हो गई है। और जिन जिन लोगों को लॉस बुक करना अच्छा नहीं लगता उसके लिए तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है, क्योंकि उसमें हम कभी लॉस बुक ही नहीं करेंगे। जब हमें 5% का प्रॉफिट होगा तब भी हम बुक करेंगे। और ये स्ट्रेटेजी का बेनिफिट ये है कि ये स्विंग ट्रेडिंग है, तो आपको पूरा दिन मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। आपने देख लिया कि 1% ड्रॉप आया तो आपने इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद लेवल मार्क कर लिया कि 5% प्रॉफिट होगा तो हम बुक करेंगे, और 5% ड्रॉप होगा तो हम और इन्वेस्ट कर देंगे, और उसमें भी हम पहले से ऑर्डर डाल सकते हैं ब्रोकर टर्मिनल में। और अगर आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और जो भी लोग सेफ तरीके से कैपिटल का बहुत ही कम रिस्क लेके मार्केट में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी ये अच्छी स्ट्रेटेजी है। और इस स्ट्रेटेजी से हम मार्केट को भी आउट परफॉर्म कर देंगे। मार्केट को आउट परफॉर्म करने का मीनिंग क्या होता है कि अगर निफ्टी में लॉन्ग रन में 14% का रिटर्न दिया है एनुअली, तो हम स्विंग ट्रेडिंग करके इसे 20% पर ले आएंगे। मतलब कि मार्केट जो रिटर्न दे रहा है उससे हम ज्यादा रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट करेंगे इस स्ट्रेटेजी से, क्योंकि हम बाय सेल कर रहे हैं। जब भी मार्केट डाउन आता है तो हम एवरेज करते रहते हैं, और जब भी मार्केट अप जाता है तो हम प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और फिर से मार्केट में 1% का ड्रॉप आता है तब इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, और जब भी 5% का प्रॉफिट मिलता है तो हम बुक कर लेते हैं। तो हम एवरी स्विंग में बाय सेल करेंगे। यहाँ पे हमने बाय किया, यहाँ पे सेल किया, और फिर से यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे सेल किया, तो मार्केट वोलेटाइल होगी जो भी ईयर जिसमें हमें रिटर्न नहीं मिला होगा ज्यादा, तो इस स्ट्रेटेजी से हम स्विंग में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब रूल समझ में आ गए होंगे। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली निफ्टी बीज और बैंक बीज के चार्ट में ले जाकर दिखाता हूँ कि कैसे हमें ट्रेड लेना है इस रूल से, ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो चलते हैं चार्ट पर और देख लेते हैं प्रैक्टिकली हमें कैसे ट्रेड लेना है। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली चार्ट में दिखाता हूँ कि कैसे प्रॉफिट बुकिंग होगी और कैसे एवरेजिंग होगी। लेकिन आपको डाउट होगा कि निफ्टी बीज और बैंक बीज हमें वॉच लिस्ट में कैसे ऐड करने हैं, तो वो भी सिंपल है। आप कोई भी ब्रोकर यूज कर रहे हो उसके टर्मिनल में जहां पे आप स्टॉक सर्च कर रहे हो वहां पे आपको सर्च करना है निफ्टी बीज, तो आपको निपोन इंडिया का निफ्टी बीज मिल जाएगा, वो हमें ऐड कर लेना है हमारे वॉच लिस्ट में। तो ये हमारा निफ्टी बीज आ गया। और हमें बैंक बीज में भी सेम, यहाँ पे हमें सर्च बार में बैंक बीज लिखना है, तो वो भी निपोन इंडिया का बैंक बीज हमें मिल जाएगा। तो आप ये जो चार्ट देख रहे हैं ये निफ्टी बीज का है। निफ्टी बीज का चार्ट देखो, यहाँ पर जनवरी 2002 में इसका प्राइस था 11 रुपीस और आज है 197 रुपीस, मतलब कि इसने 1688% का रिटर्न दिया है। लेकिन यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे अच्छी रैली है और यहाँ पे मार्केट में क्रैश आया है, और क्रैश के बाद मार्केट फिर से रिकवर हुई है, और उसके बाद फिर से ड्रॉप आया, फिर से ऑल टाइम हाई टच किया, फिर से ड्रॉप आया, फिर से ऑल टाइम हाई टच किया, और यहाँ पे कोरोना का क्रैश है, और फिर से ऑल टाइम हाई चला गया मार्केट। और आप ऑल ओवर देखो तो इसका चार्ट हमेशा अप ही जा रहा है, क्योंकि ये निफ्टी है और इंडिया की टॉप 50 कंपनी का ये बास्केट है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट समझाया था।
तो यहाँ पर हमने अभी वीकली चार्ट सिलेक्ट किया है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो अब मैं आपको डिटेल में ले जाकर दिखाता हूँ वन डे का चार्ट कर ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलो हम यहाँ पे कोरोना का क्रेश था तब से ही समझ लेते हैं कि मान लो कि हमने यहाँ पर टॉप पे बाई किया होगा, माना कि हमको 1% फॉल जब आएगा तब बाई करना है, लेकिन मान लो कि हमने यहाँ से बाई किया टॉप से और आप ये कोरोना का फॉल देखेंगे तो वो जनरली 45% का है। हमें क्या करना है, जब भी मार्केट में टॉप लगाएगा वहां से 1% जब डाउन आएगा मार्केट, मान लो कि यहाँ पर, तो यहाँ पर हम अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर देंगे और जब भी 5% का प्रॉफिट मिले तो हम बुक कर लेंगे। तो मान लो कि हमने यहाँ पर पहली बार इन्वेस्ट किया और उसके बाद जब भी मार्केट में 5% का फॉल आएगा तब हम और क्वांटिटी एड कर देंगे और अब हमारा एवरेज बाइंग प्राइस यहाँ पर और यहाँ पे बाई किया है तो एवरेज बाइंग प्राइस यहाँ कहीं बीच में आ जाएगा। तो अब यहाँ से हमें 5% का प्रॉफिट मिले तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन यहाँ पे और फॉल आया और यहाँ पर जब भी एवरेज बाइंग प्राइस का 10% कम होगा तो हम और एवरेज करेंगे और भी एवरेज बाइंग प्राइस का 15% कम होगा तो हम और एक बार बाइंग करेंगे। जनरली मार्केट में इतना बड़ा फॉल निफ्टी में नहीं आता, यहाँ पे तो आया था क्योंकि मार्केट क्रैश हुआ था, लेकिन हमने 3 बार इन्वेस्ट किया और जब भी हमें एक रैली मिलेगी तो हमारा 5% का प्रॉफिट जल्दी बुक हो जाएगा और प्रॉफिट बुक करने के बाद जब भी हमें 1% का फॉल मिलेगा, यहाँ पर हमें प्राइस भी देख लेना है, प्राइस पर हमें पता चल जाएगा कि 1% का ड्रॉप आया और 1% का ड्रॉप तो आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं थोड़े टाइम में। तो हम जब भी फॉल आएगा 1% का तो इन्वेस्ट करेंगे और 5% का जब प्रॉफिट मिले तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ऐसे करके जब भी मार्केट अप जाएगा तब हमारा प्रॉफिट बुक होगा, जब भी डाउन आएगा तब हम फिर से इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, जब भी ऊपर जाएगा तो हम 5% का प्रॉफिट बुक करेंगे। ऐसे हम प्रॉफिट बुक करते रहेंगे और फिर से पैसा इन्वेस्ट करते रहेंगे तो हमें ऐसे मार्केट में बड़ा अच्छा पैसा भी मिलेगा। और इस स्ट्रेटेजी ने हम बॉटम से टॉप तक गिने तो 135% का रिटर्न दिया है, वो भी कब, जब यहाँ पर हम बॉटम पे बाय करते और टॉप पे सेल करके तब। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम बॉटम में बाय करें और टॉप में सेल करें तो हमें 135% का रिटर्न ऐसे नहीं मिलेगा। लेकिन हम यहाँ पे ऐसे स्विंग ट्रेडिंग करते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर भी डाउन आएगा 1% और इन्वेस्ट कर देंगे और फिर से 5% का प्रॉफिट मिले तो हम बुक कर लेंगे। अगर हमने ऐसा किया होता तो हम 135% से भी ज्यादा का रिटर्न निकाल सकते थे इस स्ट्रेटेजी से। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और हम देखें कि यहाँ पे है 2021 और अभी चल रहा है 2023, तो हम इतने एक साल से ज्यादा के टाइम में देखें तो निफ्टी में जनरली हमें रिटर्न कुछ नहीं मिला। हमने यहाँ से इन्वेस्ट करना शुरू किया होता तो अभी तक हमें कोई भी रिटर्न नहीं मिला होगा, मार्केट वहीं की वहीं है, एक साल से ज्यादा हो गया। लेकिन हम इस स्विंग ट्रेडिंग को ट्राई करते तो हम ड्रॉप पे इन्वेस्ट करके एक बार और जब भी मार्केट 5% ड्रॉप होती तो हम एक और बार इन्वेस्ट करके एवरेज प्राइस कम लाते और यहाँ से हमें 5% का प्रॉफिट बुक करने का भी मौका मिल सकता था। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट एक साल या दो साल में वहीं की वहीं रहे और ज़्यादा रिटर्न ना दे तो हम ऐसे स्विंग ट्रेडिंग करके मार्केट से रिटर्न निकाल सकते हैं, वो भी सेफ तरीके से। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और आपको रूल्स भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे और मैंने चार्ट पर भी वो डिटेल में समझाने की ट्राई की है मेरी तरफ से। तो आपको ये सेफ स्ट्रेटेजी कैसी लगी वो आप हमें कमेंट कर सकते हो और ETF का डिटेल में वीडियो चाहिए और अच्छे अच्छे ETF कौन से है और हमें कैसे सिलेक्ट करने हैं उस पर भी आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हो, तो मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी लाने की ट्राई करूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ। बाय।